आप एक बात समझिए कि हम लोगों की बहुत पुरानी मांग रही है, और जब प्रधानमंत्री जी विधानसभा के प्रांगण में आए थे तब भी हमने ये मांग जो है उस समय रखा था। तो बड़ी खुशी की बात है कि जो शोषित वंचित समाज के जो सबसे बड़े पैरोकार जो थे, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बड़े समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न जो है मिला, इससे बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन इसका असर कहीं ना कहीं पॉलिटिकली ये भी देखा जाएगा कि जो हम लोगों ने जाति आधारित गंदा जो कराया और जो संख्या बाद में जो निकल के आई, उसके बाद ही जो भारत सरकार को जो है इस पर निर्णय लेना पड़ा। खैर जो भी बात हो, लेकिन भारत रत्न मिला है तो इसका हम लोग जो है खुशी मनाते। पहले दिया गया है, क्या आपको लगता है कि चुनाव से ठीक पहले दिया जाए या बाद में दिया जाए? बात है कि जो हम लोगों की मांग थी वो पूरी हुई और इसकी लड़ाई तो हम लोग लगातार लड़ते रहे, और कई अवसर पर कभी भी कई अवसर पर इसकी मांग रखी गई। तो ऐसा नहीं कितने समाजवादी नेता, तो ये आरजेडी लालू जी या तेजस्वी यादव ही ने जितने समाजवादी नेता रहे हैं उन सभी लोगों ने लगातार समय समय पर मांग किया। हम लोग तो कांशीराम जी को भी बोलते हैं कि भारत रत्न मिलना चाहिए, अच्छा होता साथ में कांशीराम जी को भी मिल जाता तो और भी अपार खुशी होती। तरह तरह के वो आप लोग चलाते हैं, आप लोग खत्म करते हैं, वो आप ही लोग करते रहते हैं। वो उसमें हमारे नजर में नहीं, वो आपके नजर में है। देखो आँख का इलाज हो सकता है, नजरिया का नहीं हो सकता। तरह तरह के राजनीति के आप बनाए जा रहे हैं, क्या महागठबंधन इंटैक्ट है?